हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं परवल की एक बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है दही परवल। ये एक गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है। ये बहुत टेस्टी है, सुपर इजी है बनाने में और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल देखने में भी लगता है। तो देर ना करके चलिए दोस्तों, फटाफट बनाते हैं ये परवल की सब्जी। और दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूले और एक लाइक देना ना भूले। तो चलिए बनाते फटाफट से ये रेसिपी। ये मैंने दोस्तों जो है आधा किलो परवल ले लिया है। इसको अच्छे से धुल के रखा था मैंने। अब इसके दोनों पॉइंट को काट लेंगे और पील कर लेंगे इसके स्किन को, और इसको दो टुकड़े में काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ के पील कर लेंगे। और इस तरह से बस हाफ में काट लेंगे। बहुत लोग जो है इस रेसिपी के लिए परवल को काटते नहीं है, बस पील करके समूचा ही बनाते हैं, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आप चाहो तो ऐसे समूचा भी बना सकते हो, पर इससे टेस्ट ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसको काट के ही फ्राई करती हूँ। अब ये एक गरम कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल। और सरसों के तेल में जब धुआं निकलने लगे तब आंच को धीमी करके फिर मैं उसमें परवल डाल दूँगी। ये देखिए धीरे धीरे, और जो बिगनर्स है बहुत ध्यान रखें क्योंकि तेल इस समय बहुत गर्म रहता है, तो बहुत हल्के हाथों से डालना है धीरे धीरे। और अब थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के हम परवलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा परवल डाल के मैंने हल्दी और नमक डाला है, बाद में मैंने सारे परवल डाल दिया है। अब ये हमने प्याज ले लिया है, थोड़े से अदरक और लहसुन, इसका मैंने ये देखिए एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और ये मेरे सारे परवल बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, फ्राई हो गया है। अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। धीरे धीरे सारे परवलों को तेल से ऐसे निकाल लेंगे। अब फिर एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें हमने तेल डाल लिया है। अब ग्रेवी बनाएंगे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब जीरा तड़कते ही हम उसमें ये पेस्ट डाल देंगे, और पेस्ट जब थोड़ा सा भून जाए तो उसमें हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था उसमें जो है कलर आता है, फिर मैंने दही डाल दिया, अब तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दिया। और इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे कि जब तक इसमें से तेल निकलने ना लगे। और जब अच्छे से जो है ये मसाला कुक हो जाए फिर हम उसमें पानी डाल देंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हो। और फिर फ्राइड जो है परवल जो रहता है वो उसको भी डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके हाथ से डाल देंगे और ढक के इसको हम 7 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि परवल हमारा ऑलरेडी पक गया है और बस इसकी ग्रेवी को ही पकानी है। और ये देखिए 7 मिनट बाद कितना यम लग रहा है देखने में। बस हमारी सब्जी देखिए कितनी आसानी से झटपट बनके तैयार हो गई। ये गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसको गरम रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो देखिए क्या जबरदस्त सी सब्जी लग रही है ना, आ रही है ना मुंह में पानी। तो आप भी फटाफट ये रेसिपी ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। आपको ये रेसिपी किस चीज़ के साथ अच्छा लगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय।